प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस 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 बस। ओ भाई साहब, अरे मेरा गाड़ी का भाड़ा तो देके जाओ। दो मिनट में अभी आया। अरे भाई साहब, ये दो मिनट का 20 मिनट हो जाता है, ऐसे लोग हमको फंसा दे। कोई कोई जाता है तो आता ही नहीं है। अरे भाई, मैंने जहाँ से रिक्शा पकड़ा ना, मुझे वापस वहीं जाना, दुकान ही जाना है। एक दो मिनट खाली वाइफ को सॉरी बोल के आता हूँ, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। ओ भाई साहब, वाइफ को सॉरी बोलने जा रहे? हाँ, फिर तो बहुत टाइम लगेगा। अरे ये वाइफ लग बहुत डेंजर होती है, कितना भी समझाओ ना आसानी से मानती ही नहीं है। क्या? अभी मेरी वाइफ, उसको मैंने जरा सा डांटा तो उसके भाई ने आकर मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी। अरे वाइफ को मारने का पुलिस केस बन गया। 3 दिन तक अंदर था मैं। ये सुंदर भी सर फिरा कहीं? नहीं नहीं, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, फटाफट मान जाएगी, 2 मिनट आए तो। हाँ, ये वाइफ लोग जरा अच्छे होते हैं, लेकिन उनके भाइयों में ही गड़बड़ होती है, बहुत परेशान करते हैं। तू रुक भाई, बहुत बात करनी है तुझसे। हाँ। मैं 2 मिनट पे। हाँ, 2 मिनट। हाँ, जल्दी आओ। दया, दया जल्दी दरवाजा खोल, नीचे रिक्शा खड़ी है। दया, दया सॉरी सॉरी दया सॉरी। अरे सॉरी बोला अभी तो, दरवाजा खोल दया। दया जेठा भाई, सब कह रहे थे ना। अरे भाई बोला ना, सब खैरियत है। चलो अभी काम पे लगा भाई, क्या खड़ा इधर? हाँ हाँ, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। पंचायत। दया दरवाजा खोलना भाई प्लीज। ये तो सचमुच में रुट गई है। दया, दया दरवाजा खोल प्लीज। दादा एक मिनट। नहीं, वो बेल मारने से नहीं सुनते, आपको चिल्लाना पड़ेगा। और स्टेशन पर नहीं चिल्लाते, चाय ले लो, चाय गरम गरम मसाला चाय, ऐसा चिल्लाओ। कुरियर ले लो, कुरियर कुरियर। ये अपना काम नहीं है, अपने कंपनी का रूल है 3 बार बेल बजाने का। दरवाजा खुला तो ठीक, या तो चिट्ठी डाल के जाने का, बाद में मालिक खुद लेने आएगा। अरे भाई ट्राई तो करो, अंदर कोई है। वैसे तुम कौन से कुरियर कंपनी से हो? ये भाई, मैं तुमको क्या कुरियर कंपनी का डिलीवरी बॉय लगता हूँ? मैं फ्लैट का मालिक हूँ। ओ सॉरी सर, तो फिर आप ऐसे बाहर क्यों खड़े? वो अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी बीवी भी टीचर है? मेरी बीवी टीचर है, प्राथमिक शाला में पढ़ाती है। अगर मेरे से एक छोटी सी गलती भी हो जाए ना, तो पूरा दिन क्लास के बाहर, मतलब पूरा दिन घर के बाहर खड़ा रखती है। अब मैंने सोचा जब पूरा दिन घर के बाहर खड़ा ही रहना है, तो क्यों ना कुरियर की नौकरी कर लूं, 2 पैसे भी कमा लूंगा। लापा, किसका नाम पे लेटर? ये जेठालाल का। हाँ मैं हूँ, ला इधर ला। किधर साइन करने का? यहाँ पे साइन करना है आपको, यहाँ पे। फोन नंबर भी लिख देना भाई। फोन नंबर नहीं देते हमको। थैंक यू। ओके चलो।
या भगवान, या तुमने क्या क्या सोचा क्या है मेरे बारे में? हैं? सोसाइटी में भी आजू बाजू वाले सब ऐसे, बाहर से आने वाले भी ऐसे, सब घन चक्कर लग मेरे आजू बाजू ही क्यों घूमते हैं? तुमको मेरी जरा भी दया नहीं आती? दया? दया? क्या कर रही है? एक बार और फोन लगा के ट्राई करता हूँ। बेटा भाई, क्या कर रहे हो? रिमोट से दरवाजा खोल रहे हो? अरे फोन है भाई। क्या बात है, कब से बाहर ही खड़े हो? भाई काम करना तू अपना। भटकी पंचायत। क्या जेठा भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, पर तुझे जानने की जरूरत पड़े ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, हैं? तू जा रहा था ना दुकान पे, तो जाते जाते ऊपर किधर रह गया भाई? जा अपना काम कर। अरे जाने भाई, तुझे क्या इतनी पंचायत है, दुकान संभाल अपनी। जेठा भाई शांत शांत, गुस्सा ज्यादा करने से परेशानियां बढ़ती है। वही हुआ है, समझ गया? जा जा, जा निकल निकल। अरे जाने भाई, अबे क्या करूं? एक काम करता हूँ, नीचे कंपाउंड में जाकर देखता हूँ, शायद दया गैलरी में आई हो तो। ओ साहब, ओ क्या हो गया कि आपके सॉरी बोलकर? नहीं भाई, थोड़ा टाइम लगेगा। अरे साहब, मैंने पहले ही बोला था टाइम लगेगा। क्या है ना, ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। वो जाने दो, मेरा भाड़ा दे दो, मैं ज्यादा वेटिंग नहीं कर सकता आपका। ठीक है, कितना हुआ तेरा? 80 रुपया। 80 रुपया? हाँ। अरे भाई, मीटर के हिसाब से तो 40 होता है। अरे साहब, आप रिटर्न जाओगे ऐसे बोली थी कि नहीं, तो वो पकड़ के हो गया ना 80। हाँ, लेकिन अभी वो काम थोड़ा खत्म नहीं हुआ ना, तो अभी रिटर्न नहीं जा पाऊंगा भाई। ठीक है, अभी नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते, मेरा 80 दे दो, मैं निकलता हूँ। अरे भाई, जब मैं रिटर्न जा ही नहीं रहा हूँ तो फिर रिटर्न का भाड़ा क्यों दूँ? अरे साहब, बोली किया था आपने। तो बोली किया था तो फिर रुको। क्या रुको? आपकी पत्नी 2 दिन नहीं मानेगी तो मैं 2 दिन के ऐसे रुकूं? अभी मानेगी? अरे भाई, आप समझते नहीं है, भाड़े का रिक्शा है, मेरे को वापस करना है, पैसा दे दो। तुमको रुकना भी नहीं है, रिटर्न भाड़ा भी चाहिए, सब कैसे होगा भाई? एक काम कर, चल आरटीओ ऑफिस चल, उधर देता हूँ तेरे को भाड़ा, चल। अरे साहब, ये गलत बात है, ऐसे नहीं होता है। कुछ गलत बिलत कुछ नहीं है, देख इज्जत से मैं तेरे को 40 रुपया दे रहा हूँ, वो तू ले और फटाफट निकल इधर से। ये ले 40 तेरा, चलो। ओ साहब, तुमने मेरा नुकसान किया है ना, जाओ, मैं तुमको शाप देता हूं, तुम्हारी बीवी कभी माने ही नहीं, और अगर आपका कोई साला हो तो आके आपकी बैंड बजाए। रुक, 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 भागते किधर है? क्या हुआ जेठा भाई? नहीं, खुद नहीं मारी हुआ भाई। दुकान से जल्दी आ गए आप आज? सगे ठीक है ना? ओ, एकदम फर्स्ट क्लास। यहाँ ज्यादा देर खड़ा रहा तो माधवी भाभी सवाल पे सवाल पूछते रहेंगे, इससे अच्छा ऊपर चला जाता हूँ। कुरियर है ले लो, अर्जेंट कुरियर है।
कोई असर ही नहीं है। बोलो, लगता है दया को मालूम पड़ गया कि मैं आ गया हूँ, इसलिए जानबूझ के दरवाजा नहीं खोल रही। तो घर की दूसरी चाबी भी नहीं है मेरे पास। मेहता साहब के घर पे है, लेकिन उधर चाबी मांगने गया तो मेहता साहब 50 सवाल पूछेंगे, फिर सब बताना पड़ेगा। अब रंजली भाभी मेरी ही गलती निकालेंगे, क्या करूं? भगवान या दया को कोप भून में से बाहर निकलने के लिए क्या करूं? दया, अरे दरवाजा खोलना भाई। जेठा अंकल, क्या देख रहे हो अंकल ऊपर? फूल, कितना सारा फूल आ गए ना इसमें। हाँ, आज दुकान से जल्दी आ गए। तू स्कूल से कभी जल्दी आता है तो मैंने तुझे कभी पूछा कि बेटा आज स्कूल से जल्दी क्यों आ गया? तो तू क्यों मुझे पूछ रहा है? सॉरी अंकल। अंकल, 100 रुपए का छुट्टा है? नहीं नहीं बेटा। अंकल देखो ना, होगा? नहीं नहीं बेटा, नहीं है। ट्राई तो करो। अरे ना बोला ना, इसके पास से मांगू। अरे किसके पास से मांगू करके इधर ही खड़ा रहेगा तो कोई जमीन से प्रकट नहीं होगा। ये ले बेटा छुट्टा। अरे तेरा घर इधर ही है ना बेटा, जा घर से ले ले। अरे अंकल मैं अभी घर से ही आ रहा हूँ, घर में छुट्टा नहीं है इसलिए आपसे मांगा। कहाँ से मिलेगा? एक काम कर, ओ अब्दुल के दुकान से ले ले, जा अब्दुल के पास जा। हाँ, चल, अंकल। चल चल चल। अरे भगवान क्या करूं ये दया का। बालकनी में दरवाजे पे पत्थर फेंक के मारता हूँ, उसके आवाज से दया आ जाएगी बालकनी में। हाँ छोटा पत्थर है, छोटा आवाज आया, अगर बड़ा पत्थर होगा ना तो बड़ा आवाज आएगा। तो बहुत बड़ा पत्थर है, दूर से इतना बड़ा नहीं दिख रहा था। ये इतना बड़ा पत्थर अगर मैं उठा के उधर ऊपर फेंकने गया तो ये तो मेरे ऊपर ही गिरेगा। नहीं भाई, इसको छोड़ो। अहो, जरा ये पूरे गैलरी में रख के आइए ना। अरे माधी, पहले ये ढक्कन तो खुले मुझसे। अरे देवा, अभी तक आप इस डिब्बे के पीछे पड़े हैं? पड़े मतलब तुम्हीं ने दिया ना डिब्बा खोलने के लिए। और ये कितना प्लास्टिक लगा के रखा है माधवी। प्लास्टिक तो लगाना पड़ता है ना, वरना दाल खराब हो जाती है हवे से। अरे गुदमरून मरेल थी डाल हाथ में दे। अरे 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 अरे, प्लास्टिक फट गया पर एक ढक्कन नहीं खोल पाए पटकन। जाने दो, मैं ही रख के आती हूँ। ये
किधर गया जड़िया? छुपा नहीं है भाई, इधर ही तो हूँ मैं। और अंकल आप अभी तक इधर ही हो? हाँ भाई, क्यों तुझे कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर पता होता तो आपके लिए भी आइसक्रीम लाता ना। मुझे कोई आइसक्रीम आइसक्रीम नहीं खानी है। अरे भाई ये हमारे घर पे जाने का रास्ता, इधर बैठ के आइसक्रीम नहीं खाने का। उठो उठो उठो, इधर तू बैठ कर सब टपका गिरेगा, सब गंदा करेगा। बोलते थे तेरे घर के बाहर बाकड़ा ना, उधर बैठ के खाने का। चलो उठा उठा उठा, चलो चलो। अंकल भड़कते क्या हो, प्यार से बोलो ना। अब तो मैं यही बैठ के खाऊंगा, जाओ। रुक, तेरे को पत्थर मारता हूँ मैं। ये ले तेरी। जेठालाल ने एक और मुसीबत को निमंत्रित कर दिया, और वो भी पत्थर मार के। भाई देश में जिस तरह इन दिनों घोटालों की बाढ़ सी आई हुई, और नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं, जैसे हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ घोटाला, और जमीनों में हुआ घोटाला, फ्लैट में हुआ घोटाला, शेयर बाजार का घोटाला, और लेटेस्ट 3G घोटाला, ठीक वैसे ही जेठालाल के जीवन में मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। जेठालाल चाहते हैं कि उनकी ये परिस्थिति किसी के सामने पता न चले, लेकिन सारी की सारी मुसीबतें मदारी के पिटारे से जिस तरह नाक फन फैला के बाहर निकलता है, उस तरह से निकल रही है। अब जेठालाल भले ही चाहते हो कि उनकी परिस्थिति लोगों को पता न चले, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी में धीरे धीरे सबको पता चल रहा है, और कहीं ये बात बाबूजी को पता चल गई तो वो क्या कहेंगे? और ये पत्थर जो अय्यर साहब की बालकनी में गिरा है, अय्यर इस पत्थर पे क्या रिएक्ट करेंगे? क्या रूठी विदाया भाभी दरवाजा खोलेगी? मुझे नहीं मालूम कि क्या होने वाला है, लेकिन एक बात तय है कि जेठालाल की मुसीबतें बढ़ने वाली है। तो लेकिन आप चिंता क्यों करते हैं, जितनी मुसीबतें उधर बढ़ेंगी उतने ठहाके आपके घर में बढ़ेंगे। बस इन मुसीबतों के साथ रहिएगा तो बड़ा मजा आएगा। हंसने के लिए बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.